सो हे गाइस, आज मैं एक ऐसे वॉल्यूम स्टाइल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वॉल्यूम स्टाइल है। उस वॉल्यूम स्टाइल को अपने मोबाइल के अंदर सेट करने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। तो वो क्या है वॉल्यूम स्टाइल, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। तो मेरा नाम है गौरव और आप लोग देख रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चैनल लिसन गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एप्लीकेशन है। आप लोग एक एप्लीकेशन यहाँ से देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, वॉल्यूम स्टाइल एप्लीकेशन। आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं इस वॉल्यूम स्टाइल एप्लीकेशन का लिंक ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अगर आप लोग प्ले स्टोर से खोजते हो तो बड़े आसानी से भी ये मिल जाएगा। तो चलिए, अब ये जब इंस्टॉल करने के बाद आपको कैसे यूज करना है मैं आपको अभी ये बताता हूँ। अभी आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, हमारा वॉल्यूम स्टाइल जो काफ़ी जो ऐसी तरीके से आता है, हम जब वॉल्यूम अपने की को दबाते हैं तो हमारा वॉल्यूम स्टाइल ये हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा वॉल्यूम स्टाइल ये। जब हम इस ऐप को यूज करते हैं तो हमारा वॉल्यूम स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। जो भी अगर हम रेडमी का, पोको का, सैमसंग का, रियलमी का, जो भी चाहे यहाँ पे आईफोन का, जो जिसका भी वॉल्यूम स्टाइल चाहे, जिस फ़ोन में जैसा भी सेटिंग रहता है उसका चाहे तो इसमें हम लगा सकते हैं। उसके लिए उस ऐप को हमें स्टार्ट करना होगा। तो उस ऐप को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने लगता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग खुद से यहाँ पे वॉल्यूम स्टाइल बना सकते हो। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बनाया हुआ है, उसमें से हम कुछ चूज़ कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड, iOS, एप्पल का है, ये सैमसंग का है वॉल्यूम स्टाइल, ये आप लोग सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे, वेव, MI, यहाँ पे कलर्स, जो भी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कि अभी तक आपको यहाँ पे कुछ अमेजिंग नहीं दिखा होगा, मैं अभी आपको अमेजिंग वॉल्यूम स्टाइल अपने अंदर सेट करके दिखाऊंगा कि कैसा वॉल्यूम स्टाइल हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो आप लोग हम नीचे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना, आपको इसमें से जो भी पसंद है आप लोग वो बड़े आसानी से कर सकते हो। तो हमें जो पसंद आता है वो हम करके आपको दिखाते हैं, जो आपको भी पसंद आएगा, जो मैंने चूज़ करेगा वो आपको ही पसंद आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक इमोजी वाला सेटिंग आता है, उस इमोजी वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, हम इसे ही यहाँ पे सेट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये अलार्म पे अलार्म का इमोजी है, यहाँ पे कॉल का इमोजी है, अलार्म पे अलार्म का है, जो भी है म्यूज़िक पे म्यूज़िक है, सब कुछ यहाँ पे ओपनली बताया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको जैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने कुछ ऑप्शन आने लगते हैं यहाँ पे स्टार्ट का। और जैसे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करते हो, आपसे कुछ परमिशन मांगा जाता है, वो परमिशन हमें यहाँ पे अलाउ कर देना है। तो इसे हम यहाँ पे इनेबल यानी अलाउ कर देते हैं। उसके बाद ये सीधा हमें अपने सेटिंग में लेके जाता है। सेटिंग में जाने के बाद हमें वॉल्यूम स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें यूज़ सर्विस को भी यहाँ पर अलाउ यानी इनेबल कर देना है। तो इनेबल हम करने के बाद हमसे यहाँ पर अलाउ मांगा जाता है, इसको भी अलाउ यहाँ से कर देते हैं। उसके बाद आपको सिंपल से फ़ोन में बैक चले आना है। बैक आने के बाद आप लोग यहाँ से सिंपल से देख सकते हो, यहाँ पे हम अपने वॉल्यूम स्टाइल को क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम स्टाइल चेंज हो के आता है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ वॉल्यूम स्टाइल चेंज हो चुका है। तो हमारा पहले वॉल्यूम स्टाइल क्या था अब, और वॉल्यूम स्टाइल अब क्या हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वॉल्यूम स्टाइल लग गया है। तो आप लोग भी यहाँ पे देख ही लो कि वॉल्यूम स्टाइल कैसा है। वॉल्यूम स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आप लोग भी लगाना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ये वॉल्यूम स्टाइल यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट एप्लीकेशन मोड के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो चलिए, थैंक यू।